पूर्णिमा, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में पौष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा, जिसे पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, धन प्राप्ति के लिए बेहद ही खास मानी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 17 जनवरी दिन सोमवार को पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। ये दिन माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इस दिन कुछ उपाय कर लिए जाएं तो व्यक्ति को जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए, पौष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करके घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दूसरा उपाय, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इसे दूर करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। इसके लिए आपको पौष पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को लेकर उस पर हल्दी से तिलक करें और फिर उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसके बाद उन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी सभी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगले उपाय के तौर पर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करके किसी जरूरतमंद को चावल दान करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, इसीलिए इस दिन चावल दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल और सुखमय बनाना चाहते हैं, तो पौष पूर्णिमा की रात पति पत्नी दोनों को एक साथ चंद्रदेव को दूध अर्पण करना चाहिए। साथ ही इस पवित्र दिन पर चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर मंत्र के साथ अर्घ देना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तो वहीं पौष पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान करते वक्त अपने हाथों में कुश लेकर स्नान करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस पानी से आप नहा रहे हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें, इसका आपको बेहद ही शुभ परिणाम मिलता है। आखिरी उपाय में आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन आपको मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र, अगरबत्ती चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी और आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।